आत्मा नमस्ते एवरीवन। जिंदगी में कई बार आपको उपाय बताए जाते हैं, आपको रिचुअल्स बताई जाती है, एंड हम वो रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, हम उन उपायों को फॉलो नहीं करते, क्या सोच के क्या कह के कि ये सब सुपरस्टिशन बिलीव्स हैं, ये सब रूढ़िवादी है, गंवार लोगों की चीज़ें हैं। कुछ ऐसा ही मैं बचपन में सोचा करती थी। आई वॉज एजुकेटेड इन अ कॉन्वेंट स्कूल, सो देन यू नो आप वहाँ पढ़ते हो, एक अलग एनवायरनमेंट में रहते हो, एंड देन आपकी थोड़ी सी थिंकिंग अलग हो जाती है। सो आई बिलोंग टू अ स्पिरिचुअल फैमिली जहाँ पे बहुत पूजा पाठ और ये सब था। एस्ट्रोलॉजी एज यू नो हमारे घर में बहुत थी, बट आई रिजेक्टेड एवरीथिंग थिंकिंग दैट इट वॉज ऑल वेरी ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड फैशन, ये सब कुछ। देन आई ग्रू अप, ऑफकोर्स मेरे माता पिता से मैंने बहुत सीखा, बट उन सबसे ज़्यादा मैंने अपने गुरु ग्रैंड मास्टर चुआ कॉक सुई, उनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी टीचिंग से बहुत कुछ सीखा। एंड देन गुरु एज द वर्ड इंडिकेट्स, इट ब्रिंग्स इन लाइट इन योर लाइफ। और उन्होंने उनकी टीचिंग से मुझे समझ में आया कि जो भी रिचुअल्स हम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो क्या एक्टिवेट करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यू नो कई बार क्या होता है, आप कॉन्शियसली कुछ कर रहे होते हो बट आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा होता है। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले होली पे एक वीडियो डाला, क्या क्या उपाय करें। अब वो जो मेरी बचपन वाली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको लगेगा ये सब गंवार लोगों का चीज़ें हैं, ऐसे करने से थोड़ी होता है, कोई राई ऐसे घुमाने से नज़र थोड़ी हट जाती है। इन सब में क्या होता है, वन रिचुअल्स का कुछ उन चीज़ों का सिग्निफिकेंस है, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है। टू, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होता है। तो जब भी आप ऐसा कोई रिचुअल करते हैं, नज़र उतारने का या प्रोस्पेरिटी लाने का, तो उस सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो जाती है कि अब तुम्हारी नज़र दोष हो गया क्योंकि तुमने ऐसे करके होली में वो डाल दी चीज़ें, या तुमने एक हल्दी की गांठ घर में ले आए, या रिमेम्बर लक्ष्मी पोटली मैंने बनवाई थी दिवाली पे, रादर मैंने दी थी लोगों को, वो लक्ष्मी पोटली, वो सब क्या है, उन चीजों में भी एनर्जीज हैं जो उन उन पोटली में होती है। एंड आर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो गेट्स एक्टिवेटेड कि ये सब हमारे घर में प्रोस्पेरिटी अबंडेंस ला रहे हैं। हर चीज जैसे ये कलर्स हैं, दे ऑल हैव वाइब्रेशन, बट वेन यू नो द मीनिंग, वेन यू नो वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो अवेयरनेस क्रिएट करता है और वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, जो कि कई सारी चीज़ों की वजह से उल्टा प्रोग्राम हुआ हुआ है बचपन से लेके अब तक। तो मेरी एक इतनी सी मुहिम है कि मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है और जिससे मेरी दिमाग की बत्ती खुली है, या आई वुड से वो चीज़ों से पर्दा हटा है जिनको कल तक मैं बोल रही थी गंवार लोगों की बातें हैं, ऑर्थोडॉक्स है, सुपरस्टिशन है। हमारे हिंदू रिलीजन में इतना कुछ है, आप रामायण पढ़िए, आप भगवत गीता पढ़िए, आपके दिमाग की बत्ती ऐसी खुलेगी कि यू वोंट इवन नो, फिर कोई दुख कोई तकलीफ आपको छू भी नहीं सकेगी। एंड व्हेन वी रीड दिस स्क्रिप्चर्स, व्हेन वी डू द मंत्र चैंटिंग, क्या होता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारी बॉडी में एक वाइब्रेशन आती है, फिर कोई भी दुख आ जाइए, यू आर एबल टू बेयर इट एंड मूव फॉरवर्ड। यू नो जैसे जीवन में सीजन्स है, वैसे ही जीवन में दुख और सुख होता है हमारे। किसी के जीवन में कंप्लीट सुख नहीं है, किसी का जीवन ऐसा भी नहीं है कि उसको सारी जिंदगी दुख ही दुख है। देर आर मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, देर आर मोमेंट्स ऑफ सैडनेस इन एवरीबॉडीज लाइफ, बट वेन वी डू द चैंटिंग, वेन वी डू द मेडिटेशन, वेन वी लर्न स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, हमारे अंदर एक पावर जागृत होती है उन सब दुखों को बर्दाश्त करने की, सहने की, और उस समय वो समय आराम से बीत जाता है। इसीलिए हिंदू कल्चर में हमारे इतना मंत्र, इतने सारे मंत्रों के बारे में बताया है, जो आई कीप टीचिंग इन माई दिस अबंडेंस एंड ग्रेस चैनल। सो ऑन दिस होली, जैसे वो प्रहलाद, जैसे उन्होंने भक्ति की थी विष्णु भगवान की, आप भी कीजिए, ये पूरा साल कीजिए, और देखिए कैसे आपके जीवन में कोई भी संकट आपके मनोबल को कम नहीं कर सकेगा।
संकट आते हैं, जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, तूफान आता है, वैसे ही हमारे जीवन में आते हैं। बट ये मंत्रा चैंटिंग, ये मेडिटेशन, ये सब कुछ, वो संकटों से हमको कैसे एफर्टलेसली हम निकल जाए, वो पावर हमारे अंदर आ जाती है। सो यूज द पावर ऑफ आर स्क्रिप्चर्स, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, पढ़िए आप। और ये सब नहीं पढ़ रहे तो अबंडेंस एंड ग्रेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मैं देती हूँ, सारी चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। ओके, सो डू फॉलो ऑल द रिचुअल्स। सो कमेंट सेक्शन में मैंने अपना होली वाला वो सेशन डाला है, उसको देखिए, आज विशेष क्या कर सकते हैं, आज होली का दहन वाला दिन है, अंडरस्टैंड, बिकॉज एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, एक बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, हाउ टू टैप इन टू दैट एनर्जी एंड हाउ टू यूज दैट एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ आर लाइफ, दिस इज ऑल इट्स अबाउट फेस्टिवल्स। वो दिवाली की रात, वो महाशिवरात्रि की रात, वो जन्माष्टमी की रात, आज होली का की रात, इन सब रातों में एक स्पेशल बात है, एक डिवाइन एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है स्टार्स की, प्लैनेट्स की। यूज दैट एनर्जी बाय डूइंग सर्टन रिचुअल्स, जो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने बताया है, होली पे क्या विशेष करें। सो इन माय चैनल आई कीप ट्राइंग टू शेयर द नॉलेज आई हैव बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ माय गुरु एंड माय पेरेंट्स। मेरे फादर का भी एक चैनल है, श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शो संस्थान, जहाँ वो ज्योतिष की बात करते हैं। मैंने भी अपना एक नया चैनल बनाया है, एस्ट्रो वास्तु विद तुषार चारण, जहाँ सिर्फ ज्योतिष और वास्तु की बात होगी। बट इन दिस चैनल अबंडेंस एंड ग्रेस आई टॉक अबाउट लाइफ, हाउ टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, दैट्स माय एजेंडा। खुद की जिंदगी को भी बेहतर बनाऊंगी और आप लोगों को भी बताऊंगी कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। सो आत्मा नमस्ते एवरीवन, हैव अ ब्यूटीफुल होली। रंगों का त्योहार है, रंगों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, सो एंजॉय, डू स्प्रेड द वर्ड अराउंड, मेरे इस चैनल को दूसरों में फैलाइए ताकि उनकी जिंदगी में भी रंगों की बहार आ जाए, जैसे कि आपकी जिंदगी में आ चुकी है। सी यू ऑल, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, डू हिट द बेल आइकन ताकि जब वीडियो अपलोड हो यू आर नोटिफाइड। आत्मा नमस्ते एवरीवन, होली की राम राम। चैंट द मंत्रा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, चैंट इट थ्रू आउट योर लाइफ एंड सी द डिफरेंस।